हेलो जी, व्हाट्सअप एंड कम बैक टू द नेज रिट। सो कैसे हो सारे? होप आप सब बढ़िया हो। सो आज की इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, हमें प्लस वाले आइकन को क्लिक कर देना है और हम अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये राइट साइड में एक पेंसिल करके आइकन है उसको क्लिक कर देंगे, और डाउन में जाके एक पोर्ट्रेट करके आइकन है उसे प्रेस कर देना है, और हम इसकी फेस स्पॉटलाइट को 52 तक बढ़ा देंगे और इसको डन कर देंगे। और अगेन वो पेंसिल वाले आइकन पे जाना है और विंटेज करके आइकन है उसको क्लिक कर देना है, और इसकी सैचुरेशन को हम पूरी माइनस कर देंगे, और हम इसको भी डन कर देंगे, और वो राइट साइड में एडिट हिस्ट्री आइकन है उसे प्रेस करेंगे, और व्यू एडिट्स में जाएंगे और विंटेज वाला आइकन को प्रेस करेंगे, और मिडिल में ब्रश वाला आइकन को प्रेस कर देंगे, और लेफ्ट साइड वाले आइकन को क्लिक करेंगे और अपनी फेस को इरेज कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद हम इसे डन कर देंगे, और अगेन बैक मेन्यू पे जाएंगे और पेंसिल वाले आइकन को अगेन क्लिक करेंगे, और इस बार डबल एक्सपोजर वाला आइकन को प्रेस करेंगे, और ऐड इमेज में जाएंगे और ये टी शर्ट शर्ट के कलर्स को ले लेंगे, और इसकी मिडिल वाले आइकन को प्रेस करेंगे, और सब्ट्रैक्ट वाले आइकन को प्रेस कर देना है, और हम इसको डन कर देंगे, और राइट साइड वाले बटन को प्रेस करना है, और व्यू एडिट्स में जाना है और डबल एक्सपोजर आइकन को क्लिक कर देना है, और मिडिल वाले ब्रश आइकन को प्रेस कर दो और डबल एक्सपोजर को 75 तक बढ़ा देना है, और हम इसे शर्ट या टी शर्ट के अपने अच्छे तरीके से पेंट कर लेंगे। सो अगर आप भी इस तरीके की एडिटिंग करते हो तो आप मुझे इंस्टा पे टैग करना ना भूलें, मैंने लिंक दी हुई है, जाके फॉलो कर लेना। तो ये हो जाने के बाद हम इसे डन कर देंगे, और अगेन बैक मेन्यू पे जाएंगे, और अगेन पेंसिल वाला आइकन पे जाएंगे, और डबल एक्सपोजर में जाएंगे, और ऐड मेन्यू में जाएंगे, और अपनी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे, और मिडिल वाला आइकन को प्रेस करेंगे, और लाइटन वाला आइकन को क्लिक कर देना है, और हम इसको भी डन कर देंगे, और अगेन एडिट हिस्ट्री वाला आइकन क्लिक करेंगे, और व्यू एडिट्स में जाएंगे, और डबल एक्सपोजर को क्लिक कर देना है, और मिडिल वाले ब्रश आइकन को प्रेस कर दो, और लेफ्ट साइड वाले आइकन को क्लिक करो, और अपनी फ़ोटो को हम अच्छी तरीके से इरेज कर लेंगे। सो हम डबल एक्सपोजर को अगेन 100 पे बढ़ाएंगे, और अपनी बैकग्राउंड का सिलेक्शन अच्छी तरीके से कर लेंगे, ये हो जाने के बाद हम इसको डन कर देंगे, और अगेन बैक मेन्यू पे जाएंगे, और अगेन पेंसिल वाला आइकन को क्लिक करेंगे, और इस बार सिलेक्टिव वाला आइकन को प्रेस कर देंगे, और अपनी फेस पे टैप कर देना है, और इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और सैचुरेशन को थोड़ी सी माइनस कर देंगे, और थोड़ी सी और ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, और इसको हम डन कर देंगे, और नीचे सेव की ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और सेव वाले पे प्रेस कर देंगे,